हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबियास फ्लेवर्स। चलिए आज हम बनाते हैं रूह हब्जा पॉपस्टिकल्स। ठीक है, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स पर। ये देखिए, मैं यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बॉटल ली हूँ और ये हमारे मोल्ड आ गया, पॉप्सटिकल वाले मोल्ड है। ये 200 ग्राम दूध है और ये कॉर्नफ्लावर है। आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, आरा रोट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये है चिया सीड्स, ये एकदम से ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये रूह अफ़ज़ा फॉर डेकोरेशन एंड ऑल, ठीक है। इसमें रूह अफ़ज़ा, बहुत सारा रूह अफ़ज़ा जाता है। अब हम यहाँ चलते हैं। यहाँ मैं दूध बॉयल करने रखी हूँ। यहाँ मैंने 200 ग्राम दूध लिया है, इसको मैं एक बॉयल दूंगी, फिर हम दिखाते हैं इसमें क्या करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बॉयल देके छोड़ूंगी, फिर हम यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। ये कॉर्नफ्लावर, ये 2 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा। इसको आप अच्छे से विक्स करिए, चम्मच का काम नहीं है यहाँ पर, विस्क का काम है। यहाँ चम्मच से नहीं करिए, क्योंकि यहाँ चम्मच से अगर करेंगे तो लम्स बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए बेटर है कि आप विस्क यूज़ करिए। देखिए, यहाँ मेरा ऑलमोस्ट कॉर्नफ्लावर मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे जाएगा अपना आराम से 150 से 200 ml का रूह अफ़ज़ा। इसमें चीनी नहीं जाएगी, जो भी इसमें मिठास रहेगी सिर्फ रूह अफ़ज़ा की रहेगी। ये देखिए, आ गया ना कलर, दिख रहा है क्या मज़े का लग रहा है। देखने से ही मन करता होगा ना खा ले। ऐसी गर्मियों में तो मन करेगा ये सब खाने का। चलिए, मेरा यहाँ दूध बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ अपना रूह अफ़ज़ा। यहाँ देखिए, मैं डालना शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे से, ताकि इसमें लंप ना पड़े। आपको एकदम से धीमी आंच रखना है, ताकि इसमें लंप्स बिल्कुल भी ना आए। ये देख रहे हैं आप लोग इसका कलर, ये यम यम कलर। हमने फर्स्ट बैच डाल के हिला रही हूँ और ये सेकेंड बैच। एक साथ बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कॉर्नफ्लावर कैसा एकदम से लंप पकड़ लेता है। तो फिर बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ठीक है। अब इसको आप पकाइए एटलीस्ट 5 to 7 minutes। ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा। यहाँ देखिए, अब मेरा यहाँ पर लम्स ख़त्म हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से थिक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से कोट कर रहा है। ये अपने चम्मच को ऐसे कोट करना चाहिए, ऐसे, ये गिरना नहीं चाहिए एकदम से। इस तरीके से कोटिंग आनी चाहिए। ये जब कोटिंग आ गई तो समझ लो कि आपका ये तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको कोट आना है, ठीक है। ये हमारा हो गया बैटर तैयार। अब हम इसमें मोल्ड में डालते हैं विथ थोड़ा बहुत ये अपना चिया सीड्स, ओके। इसको ना 5 मिनट तक आप इसको ऐसे हिलाते रहिए, ताकि जितने भी बाकी लम्स है ना, वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गरम गरम फ्रिज में रखा भी नहीं जाता है। और इसमें जितने बाकी के लम्स हैं वो भी एकदम मेल्ट हो जाए। तो थोड़ा, एक 5 मिनट इसको स्टर फ्राई करते रहिए। आंच बंद रखना है, नोट करिए। आंच खुला रखेंगे तो ये अभी से ही बन जाएगी पुडिंग। तो अब आंच बंद रख के आप इसको स्टर करते रहिए, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स, ताकि ऊपर पपड़ी भी नहीं आएगी और आपका ये अच्छे से लम्स भी टूट जाएंगे और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा ये अच्छे से ठंडा हो गया है यहाँ पर। अब हम अपना मोड़ लेंगे, इसको थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा से ग्रीस करेंगे, और ये जो हमारे चिया सीड्स है ये हम इसमें डाल देंगे अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे।
यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इस तरह से ठीक है, हमने सारे चारों को जैसा आप चॉकलेट सॉस लगाते हैं तो वैसी इसकी कोटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारा चारों को कर दिया है। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं, इसको चिया सीड्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको पोर करते हैं धीरे से, एकदम धीरे से। ये देखिए हमने यहाँ पर सारा फिल कर लिया है। अब हम इस पे लगाते हैं लिड। ओके, हमने यहाँ लिड लगा दिया। अब इसको एटलीस्ट 5 मिनट्स तक, 5 आवर्स, 5 घंटे तक आपको इसको फ्रीज कर देना है। 5 घंटे तक आप तो भूल ही जाओ, ठीक है। आप सुबह बनाइए तो शाम में खाइए, तो हम लोग देखते हैं शाम में एटलीस्ट 5 घंटे के बाद फिर ये कैसा बना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए। चलिए अब हमारे हो गए हैं 5 घंटा यहाँ पूरे। हमने निकाल लिया है अपना पॉपस्टिकल्स, मुझे लग रहा था कि ये हो गए हैं, तो फिर मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी ले रही हूँ एक बड़े से बाउल में, उसमें डाल रही हूँ ताकि ये साइड से अच्छे से निकल जाए, टूटे वाले टूटे ना। ये देखिए मुझे कितनी जल्दी है और मैं इसको बस हिलाए जा रही हूँ, हिलाए जा रही हूँ। बस इसको आप 2 मिनट रखिए, आप आराम से आपके पॉपस्टिकल्स निकलेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बने थे। अब देखिए मैंने कितना स्मूथली इसको निकाला है और बहुत टेस्टी है, आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।